बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट शहनाज गिल सीजन की सबसे एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट मानी गई हैं। वहीं खुद को पंजाब की कैटरीना कैफ कहने वाली शहनाज गिल का बच्चों की तरह बातें करना और फनी अंदाज लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और जिसके कारण लोग उनके आज काफ़ी ज़्यादा दीवाने हैं। आज हम आपको शहनाज गिल के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे और अगर आपको हमारे चैनल दीपमाला एंटरटेनमेंट का ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर लीजिएगा जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो शहनाज गिल का जन्म 27 जनवरी 1993 को पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ था। वहीं शहनाज गिल ने पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उन्हें शुरू से ही एक्टिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था और काफ़ी ज़्यादा मन था कि वो एक्टिंग फील्ड में ही अपना करियर बनाएं। मैं बचपन से ही उन्होंने मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दिया था कहीं ना कहीं और जैसे ही उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया तो उन्होंने एक्टिंग और मॉडलिंग फील्ड में आने का निर्णय लिया। इसके बाद भी शहनाज गिल ने काफ़ी सारे एल्बम सॉन्ग और वीडियो सॉन्ग्स किए लेकिन शहनाज गिल को अपने करियर की असली पहचान 2016 में आए एल्बम सॉन्ग माजी दी जट्टी से मिली जिससे शहनाज गिल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई पंजाब में और इसके बाद उन्हें काफ़ी सारे फेमस वीडियो सॉन्ग्स और एल्बम सॉन्ग्स मिलने लगे और काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर्स उनके लिए गाना गाने को तैयार होने लगे। 2015 में शहनाज गिल सबसे पहले एक एल्बम वीडियो में नज़र आई जिसे गुरविंदर बरार ने गाया था और इस एल्बम में शहनाज गिल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती हुई और लोगों के दिलों में छाती हुई नज़र आई। वहीं शहनाज ने 2019 में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया और शहनाज की पहली फिल्म थी काला सा काला और ये काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई पंजाबी इंडस्ट्री में। और आपको बता दें कि शहनाज एक सक्सेसफुल मॉडल और एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि कमाल की सिंगर भी हैं। बिग बॉस में एंट्री के बाद शहनाज का एक वीडियो सॉन्ग जो कि वीडियो एल्बम था वहम वो रिलीज़ हुआ है जिसे शहनाज के फैंस द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और अभी तक वो 20 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ पा चुका है और 20 मिलियन क्रॉस कर चुका है। इसके साथ ही शहनाज सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं और बिग बॉस में और उसके बाद भी शहनाज को उनकी क्यूटनेस के कारण काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और उनके फैंस की तादाद मिलियंस में हैं जो कि बहुत ही जल्दी हो गए हैं और बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को उन्होंने इस चीज़ में मात दी है और वो सभी को पीछे छोड़ती हुई अपनी फैंस की संख्या को लेकर काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं बाकी सारे सेलिब्रिटीज़ से। वहीं शहनाज गिल ने बिग बॉस 13 में आके अपनी लाइफ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पर्सनल चीज़ें शेयर की जो कि सेलिब्रिटीज़ अक्सर शेयर करने में घबराते हैं और कतराते भी हैं। हालांकि उन चीज़ों को बिग बॉस 13 में दिखाया नहीं गया लेकिन जब आप अनकट देखेंगे तो अनकट में आपको वो क्लिप्स ज़रूर नज़र आएगी जहाँ शहनाज ने अपनी लाइफ की हर एक चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा बारीकी से खुलकर बात की है। और इन सब चीज़ों से हटकर शहनाज गिल की लाइफ का एक सच ये भी है जो उन्होंने जीवन में सभी के सामने खोल कर रख दिया है चाहे वो उनके फैंस हो या हेटर्स कि वो सिद्धार्थ शुक्ला से काफ़ी ज़्यादा करती हैं प्यार, इनफैक्ट दिलो जान से भी ज़्यादा प्यार करती हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं। जैसा कि जब मुझसे शादी करोगे शो आया और उनके लिए वहाँ पर ढेर सारे लड़के आए, काफ़ी सारे लड़के आए जिन्होंने उन्हें इम्प्रेस करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की और उनमें से कुछ लड़के तो काफ़ी अच्छे भी थे लेकिन शहनाज गिल तो सिर्फ़ और सिर्फ सिद्धार्थ से प्यार करती हैं और अपने प्यार को उन्होंने वहाँ भी जताया। हालांकि वो उनका खुद का शो था, वो चाहती तो वो नाटक कर सकती थी, फेक फीलिंग दिखा सकती थी लेकिन उन्होंने अपनी सच्ची फीलिंग्स को दुनिया के आगे रखा। हालांकि सेलिब्रिटीज़ ऐसा करते हुए बहुत ही ज़्यादा रेयर नज़र आते हैं, कभी भी अपनी फीलिंग्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करते हैं लेकिन शहनाज की हिम्मत की तो देनी पड़ेगी दाद कि वो यहाँ भी पीछे नहीं हटी और उन्होंने अपनी फीलिंग्स को रखा दुनिया के सामने, वो भी सबके सामने आकर। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि शहनाज गिल को आप कितना ज़्यादा करते हैं प्यार और कितना ज़्यादा करते हैं पसंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉश करते रहिए। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।